हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स अपडेट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास अभी जो अपडेट है वो है आईएमएफ से रिलेटेड। गीता गोपीनाथ जी, जो कि आईएमएफ में एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से काम कर रही थी, अब उनको डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। दोस्तों, ये आईएमएफ का सेकेंड पोजिशन है मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद। हमारे देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि गीता गोपीनाथ जी ऐसे पहले भारतीय होंगी जो कोई इस पद को संभालेंगी। दोस्तों, गीता गोपीनाथ जी का जन्म भारत के कुन्नूर पे हुआ था 8 दिसंबर 1971 को। उन्होंने 1992 में एमए कंप्लीट किया था लेडी श्रीराम कॉलेज से। इसके बाद वो यूएस चली गई हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और यूएस में उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर पीएचडी कंप्लीट किया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। 2018 में आईएमएफ को ज्वाइन करने से पहले वो एज ए प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। फिर 2018 में आईएमएफ में एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट ज्वाइन किया। दोस्तों, जियोफ्रे आकिमोतो, जो कि इस पद पे काम कर रही थी, उनका टर्म 2022 जनवरी में ख़त्म होने वाला है, और अब उस जगह पे गीता गोपीनाथ जी काम करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में उनका योगदान और पैंडमिक के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे ले आने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी काम को देख के उनको प्रमोट किया गया है। दोस्तों, गीता गोपीनाथ जी ने थोड़ी दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि 2022 जनवरी तक वो आईएमएफ को छोड़ देंगे और फिर एज ए प्रोफेसर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इसी बीच उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। दोस्तों, उनके पिता का कहना है कि उनका 7th स्टैंडर्ड तक सिर्फ 45% मार्क्स ही आते थे, लेकिन उसके बाद वो पढ़ाई में काफ़ी सीरियस हो गई और उनका 90% मार्क्स आने लगा। गीता गोपीनाथ जी ने इस न्यूज़ के बाद अपनी खुशी जताया है और उन्होंने अपने साथ काम करने वाले हर एक को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि आगे के चैलेंजेस के लिए भी वो तैयार है। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि 2019 में उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है और 2021 में उनको यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे तरफ से गीता गोपीनाथ जी को ढेर सारा शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे काम करती रहेंगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।